आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा आपकी वेब सीरीज आ रही है पेपर, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है फैमिली के तरफ से, फ्रेंड के तरफ से, सोशल मीडिया में, बताना चाहोगे? मेरी पेपर वेब सीरीज आ चुकी है, अभी आ नहीं रही है, वो ऑलमोस्ट एक साल हो गया उसको रिलीज़ हुए और सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पहली बार मैंने वेब सीरीज़ में अपना काम किया, एंड देन रोहित रॉय वाज अ वेरी गुड एक्टर विथ मी, सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस होल। जी साथी आपका सीरियल भी आया था, साथ निभाना साथिया जी, उनके बारे में बताना चाहोगे कुछ? साथ निभाना साथिया मैंने किया, उस पर मैंने 3 मंथ्स का कैमियो किया था सिर्फ, वो मेरा पहला था शो। देन मैंने मेरी दुर्गा किया ऑन स्टार प्लस, देन मैंने परम अवतार श्री कृष्णा किया, ऐसे करते करते मैंने 3-4 टेलीविजन शोज कर लिए, एंड देन नाउ आई एम मोर इनटू ओटीटी एंड आई वांट टू डू सम गुड वेब सीरीज प्रोजेक्ट एंड म्यूजिक वीडियोस एंड फिल्म्स। जी मैं जानना चाहूँगा पेपर में आपका किरदार किस तरह का था, बताना चाहोगे? जी पेपर में मेरा किरदार एक बहुत ही सेंसिटिव किरदार था, वो मतलब प्रोस्टिट्यूशन का कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया था, और वो इजी नहीं था मेरे लिए प्ले करना, बिकॉज काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज, काइंड ऑफ यू नो बॉडी लैंग्वेज जो उनका होता है वो बहुत ही अलग होता है, तो वो सबसे पहले तो मुझे वो ऑडिशन करना था, जब मुझे वो शो मिला तो उसको पहले मुझे ऑडिशन करना था, एंड देन तो वो अपने अंदर लेके आना कैरेक्टर, वो फील करना, तो वो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे उसको लेकर और उसको समझा कि कैसे किया जा सकता है, तो मैंने उसको ऑडिशन किया एंड देन मैं सिलेक्ट हो गई, एंड देन मैंने परफॉर्म किया, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे कि जब ऑफर आता है कोई भी वेब सीरीज या मूवी का, तो लोग बहुत सोच समझ के उसको साइन करते हैं जी। तो आप क्या देख के साइन करते हो कोई भी वेब सीरीज या मूवी, किस क्या देख के आप साइन करते हो? I just see okay if I am listening to some script or watching anything, वो मुझे goosebumps देता है या नहीं, या मुझे हंसाता है या नहीं, या मुझे रुलाता है या नहीं। अगर वो चीज़ मुझे हंसा सकती है, मुझे रुला सकती है as an audience के perception से, not me, मैं अपने आप को audience समझ लेती हूँ उस वक्त, मैं अपने आप को actor नहीं समझती हूँ, और मैं उस तरीके से देखती हूँ, और वो चीज़ अगर उसमें पास हो जाती है तो मैं फिर वो प्रोजेक्ट कर लेती हूँ। पेपर के दौरान कुछ जब वो शूटिंग होता था जी, कुछ यादगार पल है जो आप शेयर करना चाहोगे? यादगार पल तो कुछ है नहीं, लेकिन यू नो उसमें काफ़ी बोल्ड सीन्स थे, तो वो बोल्ड सीन करते समय मुझे बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो रोहित रॉय सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, और डायरेक्टर ने भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, काफ़ी सारे सीन्स तो हमने काट दिए क्योंकि आई वाज नॉट कंफर्टेबल दैट मच। तो या बस यही एक है कि इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल ना, यू नो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर भी आपको सपोर्ट करते हैं। रोहित सर के बारे में बताना चाहोगे कुछ, किस तरह का उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस रहा? रोहित सर के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम करते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया एज एन एक्टर, बिकॉज मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, एंड देन काइंड ऑफ सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम हिम, इट वाज वेरी गुड। या आप किस तरह का मूवी पसंद करना चाहते हो, करना पसंद करते हो, आपका ड्रीम रोल क्या है? ड्रीम रोल तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बड़ा मुझे रोम कॉम करना है, एंड देन मुझे रोम कॉम करना है, बस मुझे रोम कॉम सबसे पहले करना है, और भी बहुत सारे हैं लिस्ट में, थ्रिलर भी करना है, बट रोम कॉम इज माय फर्स्ट चॉइस। जी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी तो फिलहाल मेरे 3 म्यूजिक वीडियोज आर अपकमिंग जो रिलीज होने वाले हैं, और दूसरा मैं अभी बता नहीं सकती बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिसको मैं रिवील नहीं कर सकती, बट आई डेफिनेटली यू गोना सी मी इन गुड प्रोजेक्ट्स, एंड जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर देखते हो वैसे ही आप मुझे प्रोजेक्ट्स में भी देखोगे। जी अभी नया साल आने वाला है, क्या कुछ तैयारी की हो आप नया साल? नया साल हर 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 साल आता है, और हर साल की तरह इस साल भी न्यू होप्स लाता है, तो मैं बस यही चाहती हूँ
कि मैं बहुत सारा ये साल काम करूँ, और न्यू ईयर मनाने का प्लान तो अभी तक कुछ किया नहीं है, बट आई थिंक आई विल गो टू गोवा। टीवी सीरीज के बाद हम आपको वापस किसी टीवी सीरीज में वापस देखने चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, क्यों नहीं। इफ आई विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी देन आई विल गो फॉर इट। तो आपकी आई थी मेरी दुर्गा, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरी दुर्गा वॉज अ वेरी गुड शो ऑन स्टार प्लस, और मैंने वो किरदार निभाया आरती का, जो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया एज अ नेगेटिव लीड। जो आउट ऑफ इंडिया भी शो चलता था वो, और काफ़ी जगह से मेरी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ से बढ़ी, एंड अभी तक वो लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी तक मुझे मैसेज करते हैं आउट ऑफ इंडिया से वो शो को लेकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड एवरी वन लव्ड माई कैरेक्टर आरती इन मेरी दुर्गा। बहुत अच्छा शो था, ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी, फिर मैं वैम्पायर थी उसमें, वैम्पायर नहीं नेगेटिव लीड थी सॉरी। तो मैं वही तुड़वाने का सोचती रहती थी कि कैसे वो लड़का मुझे मिल जाए, मेरी तरफ आ जाए, एंड देन यू नो वो पॉजिटिव लीड हट जाए रास्ते से। तो इस तरीके की मेरी प्लानिंग्स होती थी उसको रास्ते से हटाने की। जी, जाते जाते जो आपको इतना प्यार देते आए हैं वो आपके सीरियल्स को, आपके वेब सीरीज को, उनके बारे में आपको क्या, आपका क्या कहना है? जो भी मुझे प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ माय टेलीविजन शोज, बिकॉज ऑफ माय इंस्टाग्राम अवतार, और बिकॉज ऑफ माय वेब, जो भी मुझे प्यार देते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँ, थैंक यू सो मच गाइज, इट मींस अ लॉट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यू नो स्टार्ट करने से पहले कि यू नो यू विल गेट दिस इमेंस लव, बट आज इतना सारा प्यार मिलता है, बहुत बहुत थैंकफुल फील करती हूँ, और आप लोगों की वजह से ही मैं इतना यू नो मैं हूँ, मतलब जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड आई विल ऑलवेज एंटरटेन यू। थैंक यू।